ये देखो नमक के भाव मिलेगा और चांदी के दाम बिकेगा, प्रूव करके दिखाऊंगा, जस्ट हैंग ऑन 800% ग्रॉस मार्जिन पर। मैं आपको प्रोडक्ट बनाने से मार्केट में उतारने तक A to Z प्रोसेस लाइव एंड प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। एक्चुअली हमको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए चाहिए सर, वो तो क्या रेट पड़ेगा सर? जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा, बाथ सॉल्ट बनाने के लिए लगने वाले बेस मटेरियल इप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट के सप्लायर्स कैसे ढूंढे, उनसे किस तरह मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायरमेंट, प्राइस और सैंपल के लिए बात की, अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, बल्क में इप्सम सॉल्ट खरीद कर उसको अपने ब्रांडिंग वाली 1/2 kg 1 kg पैकेजिंग में पैक करके बेच दे, जिसकी कॉस्टिंग पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन के साथ मैक्सिमम 40 से 50 rupees किलो पड़ेगी और मार्केट में 265 kg तक बेच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसको प्रीमियम बनाकर 600 से 800 rupees kg में बेचना, जिसके लिए हम इप्सम सॉल्ट में मिलाएंगे अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंसेस एंड कलर्स। यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ, इसेंशियल ऑयल ऑर्गेनिकली प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इसलिए बहुत कॉस्टली होते हैं और फ्रेग्रेंसेस सिंथेटिकली बनाए जाते हैं। आई वुड सजेस्ट यू फ्रेग्रेंस बिकॉज सारी ब्रांड्स यही यूज करते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा। तो फिर से चलेंगे इंडिया मार्ट पे और सर्च करेंगे फ्रेग्रेंस फॉर कॉस्मेटिक, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स बेच रहे हैं। इनमें से हमने कुछ लोगों को कॉन्टेक्ट किया, जिससे पता चला कि कोई भी फ्रेग्रेंस, मान लो लवेंडर की बात कर रहे हैं, तो उसमें जितनी अच्छी सुगंध होगी उस हिसाब से प्राइस डिफर करेगा। टेक्निकली जितना अच्छा कॉन्सेंट्रेट एंड नोट होगा उतना ज्यादा प्राइस, एवरेज 1000 से 1500 rupees पर केजी में अच्छा फ्रेग्रेंस मिल जाएगा एंड ये बहुत कम यूज होता है। 1 kg बाथ सॉल्ट बनाने में 10 ml से भी कम लगेगा। लवेंडर एंड सनफ्लावर फ्रेग्रेंसेस स्टार्ट कर सकते हो और कलर्स के लिए डाई कलर यूज करेंगे, जिसकी कॉस्टिंग फ्रेग्रेंस से कम पड़ेगी, इसके बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे। अब इन तीनों को मिक्स करना है, जिसके लिए YouTube पे सर्च करेंगे हाउ टू मेक बाथ सॉल्ट एट होम, कई सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत इजी है इनको मिक्स करना। इस तरह प्रीमियम बाथ सॉल्ट तैयार हो गया। अब बारी आती है पैकेजिंग की, तो रेगुलर बाथ सॉल्ट के लिए यूज करेंगे स्टैंडिंग पाउच और प्रीमियम के लिए ग्लास जार या बोतल। एक बात हमेशा याद रखना, महंगा प्रोडक्ट को हमेशा कम क्वांटिटी में बेचना, ताकि लो प्राइस पॉइंट पे कोई भी खरीद सके। इसलिए प्रीमियम को हम 200 से 250 ग्राम की पैकेजिंग देंगे टू स्टार्ट विद। आपको पैकेजिंग के लिए भी इंडिया मार्ट पे वेंडर मिल जाएंगे या फिर आप माई परफेक्ट पैक वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। स्टैंडिंग पाउच पड़ेगा 8 से 15 rupees और ग्लास जार एंड बोटल्स भी लगभग सेम प्राइस में मिल जाएंगे। एक और बात, हम लोग 100 kg मटेरियल यानी 200-300 पैकेट से ट्रायल रन करेंगे बाथ सॉल्ट बिजनेस आइडिया का, इसलिए कम क्वांटिटी की वजह से पैकेजिंग मटेरियल इनिशियली इस दाम में मिलेगा, लेकिन जब फ्यूचर में बल्क में लगेगा तो काफी कम प्राइस में पड़ेगा। इनिशियली प्रोडक्ट कॉस्ट हाई रहने दो, लेकिन बल्क में खरीदने की गलती बिल्कुल मत करना। अब बात आती है ब्रांडिंग की, जो हम करेंगे अच्छा लोगो और पैकेजिंग लेबल डिजाइन करके। हम ये सब फ्री में करेंगे canva.com या फिर इसका मोबाइल ऐप यूज करके। तो यहाँ सर्च करेंगे लोगो, 1000 से ज्यादा डिजाइन्स मिलेगी, जिसमें कुछ पेड़ हैं, हमने चूज की एक फ्री वाली डिजाइन और उसमें अपना नाम डालकर थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन करके थिंक विंग्स बाथ सॉल्ट लोगो तैयार कर दिया, जो फ्री में डाउनलोड भी हो गया। अब सबसे जरूरी चीज, हमें तैयार करना है प्रोडक्ट लेबल जो पैकेजिंग पे यूज होगा। अब कैनवा पे लेबल लिख के सर्च करेंगे, देख सकते हो कितनी सारी चॉइस मिलेगी। मैंने फिर से एक फ्री वाली लेबल डिजाइन चूज करके उस पे अपना हिसाब से कस्टमाइजेशन कर दिया। बिलीव मी गाइस, कैनवा यूज करना बहुत इजी है और हमारा लेबल भी तैयार हो गया, जिसको हम स्टैंडिंग पाउच वाले सप्लायर्स के साथ शेयर करेंगे, जो पाउच पे इसे प्रिंट कर देगा और स्टिकर लेबल प्रिंट करवाएंगे जो ग्लास वाली पैकेजिंग पे चिपकाएंगे। गाइस, ये सब प्रोसेस के दौरान आपको GST नंबर लेना है, जो ऑनलाइन सेल करने के लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज 40 लाख के टर्नओवर तक वाले बिजनेस को GST नंबर मैंडेटरी नहीं है। गूगल करो GST रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आएगा ये गवर्नमेंट का GST पोर्टल, जहां जाके क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन और यहां आई एम अ टैक्स पेयर, यहां आपका स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, लीगल नेम और बिजनेस में आपका पैन कार्ड पर जो नाम है वो एज इट इज डालना है। फिर एंटर करो पैन नंबर, ईमेल
आईडी और फोन नंबर डालकर एंटर करना है कैप्चा और फिर क्लिक करो प्रोसीड। यूट्यूब पे बहुत सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, आप उन्हें इजीली फॉलो करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चाहिए तो मैं अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। अगर आप नहीं कर सकते तो अपने एरिया में टैक्स कंसल्टेंट ढूंढे जो मैक्स 1000 रुपीज लेकर रजिस्ट्रेशन कर देगा। आपको जाना है बैंक, वहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे खुल जाएगा करंट अकाउंट। ये सब स्टेप्स के बाद आप बन जाओगे एक बिजनेसमैन ऑफिशियली। अपना माल आप मार्केट में होलसेलर्स को बेच सकते हो या इंडिया मार्ट पे एज अ मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट लिस्ट कर दो। होलसेलर्स एंड ट्रेडर्स आपसे माल खरीदेंगे या फिर आप डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच सकते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करके। आपको गूगल करना है न्यू सेलर रजिस्ट्रेशन, जियो मार्ट या अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, उनका पोर्टल खुलेगा जहां आपका नाम और नंबर डाल के छोड़ देना है। आपको सामने से उनके एग्जीक्यूटिव का कॉल आएगा और वो लोग फ्री में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके रजिस्ट्रेशन और प्रोडक्ट लिस्टिंग करवाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इस वीडियो को शेयर करो जिनको आपको जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो और कमेंट बिलो फॉर एनी क्लेरिफिकेशन। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल वीडियोस के साथ जल्दी ही मिल सके।